हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्टी फूड एंड फूडी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही डिलीशियस टेस्टी मिल्क, जो हेल्थी भी है और बनाना बहुत ही इजी है। तो आइए कुछ ऐसी टिप और ट्रिक बताऊंगी, तो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने 2 चम्मच पॉपी सीड, जिसे खसखस कहते हैं, मिक्सी में ग्राइंड कर ली थी। बट इसके जो दाने हैं ना, वो वैसे ही होते हैं, ज़्यादा ग्राइंड नहीं होती, तो इसलिए मैं इसे इस तरह से डालकर इसे अच्छे से कूटेंगे, ताकि जो इसके दानों में मिल्क होता है ना, वो निकल जाए। तो फ्रेंड्स, आप थोड़ी मेहनत मिक्सी जार में कर ले और थोड़ी सी मेहनत इसमें कर ले, तो आपका दूध बहुत ही क्रीमी बनेगा। और फ्रेंड्स, इसे अच्छे से हम कूटेंगे और इसे इसमें थोड़ा सा पानी, चाहे दूध, जो भी आपको अच्छा लगता है, इसमें 1-2 चम्मच डालेंगे और इसे अच्छा सा, सिर्फ 5 मिनट्स आपके लगेंगे, अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा और दाने बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप तब तक इसे करते रहें, कूटते रहें, जब तक इसके दानों में एक स्मूथ सा पेस्ट नहीं बन जाता। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस ट्रिक से दूध बनाएंगे ना, दूध बहुत ही यमी और टेस्टी बनेगा। तो आप थोड़ी मेहनत मिक्सी ग्राइंडर में करें, उसके बाद थोड़ी इसमें करें। और हेल्थी दूध है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत बढ़िया है। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा मैंने घी डाला है, और जितना घी डाला है ना फ्रेंड्स, इसमें उतना ही बेसन डालेंगे। बेसन एक तो सर्दी जुकाम के लिए अच्छा होता है, ये इससे एक तो हमें दूध में एक थिक टेक्सचर मिलेगा और पीने में दूध बहुत ही बढ़िया होगा। तो इस चीज़ को फॉलो कीजिए ज़रूर, स्किप ना करें। बेसन सिर्फ थोड़ी मात्रा में लेना है, जितना हमें घी लिया है। हल्का सा इसका इसे भूनें आप, और उसके बाद हम उसमें जो पेस्ट बनाया है वो डालेंगे, क्योंकि पेस्ट काफ़ी क्रीमी है तो इसकी सरफेस पे लग सकता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा बेसन डालेंगे। अच्छे से ये मिनटों में रेडी हो जाएगा। अब हम इसमें, आप चाहें तो फ्रेंड्स इसमें आप गेहूँ का आटा यूज़ कर सकते हो, पर हेल्दी बनाने के लिए मैंने इसे बेसन ही ज़्यादा अच्छा लगा। और अब हम इसमें खसखस और बादाम का पेस्ट डालेंगे। बहुत ही स्मूथ बन चुका है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। पहले से पेस्ट रेडी करके रख लें, और जब आपका मन हो और इसे बनाइए और इंजॉय कीजिए। अब फ्रेंड्स, सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसे इस तरह से भूनेंगे। एक बार इस तरह से दूध आप ट्राई करोगे ना फ्रेंड्स, डेली बहुत ही बढ़िया बनेगा, क्योंकि जार में ये अच्छे से पेस्ट नहीं बनता। अब फ्रेंड्स, इसमें मैं दूध डालूंगी, 2 से 3 कप दूध इसके लिए काफ़ी है। और इसे अच्छे से बॉयल, 2 से 3 बॉयल हम अच्छे से इसे बॉयल करेंगे, ताकि ये सारी चीज़ अच्छे से दूध में टेस्ट आ जाए, मिक्स हो जाए, और बिल्कुल मिक्स हो जाए दूध, खसखस और बादाम, तो बहुत ही क्रीमी दूध। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। इस तरह से इसकी जो गांठ आपको लगती है, इस तरह से हिलाइए और इसे मिक्स करें। वैसे तो फ्रेंड्स, बॉयल आने से ये सब एक ही हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा अच्छे से। फ्रेंड्स, कई लोग इसमें खजूर डाल लेते हैं, कई लोग टेस्ट के लिए। अगर आप खजूर नहीं डालना चाहते, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो जिससे एसिड बन जाता है, तो इस तरह से एसिड भी नहीं बनेगा, थोड़ी सी कम है क्वांटिटी से, क्योंकि एक तो हमारा दूध वैसे ही थिक हो जाएगा क्योंकि बेसन डाला है। तो आप इस तरह से दूध ट्राई करोगे तो बहुत बेटर होगा। इसमें मैंने 2 चम्मच चीनी के डाले हैं, आप शहद भी यूज़ कर सकते हो, और गुड़, शक्कर, कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप मीठे के लिए। और अब इसमें थोड़ा सा मैंने इलायची पाउडर डाला है, आप 2 से 3 लौंग भी कूट कर डाल सकते हो। ओके फ्रेंड्स, हमारा दूध ऑलमोस्ट बन चुका है, बहुत ही टेस्टी और यमी दूध है, और बहुत ही इजी रेसिपी है। आई होप आप इसे घर में जरूर ट्राई करोगे। अब हम इसे, क्योंकि दूध पहले के लोग काफ़ी इस तरह का दूध पीते थे, हेल्थी चीज़ें खाते थे, हेल्थी रहते थे,
तो खसखस का दूध तो आज के लोग अगर इसे यूज़ करते हैं तो काफ़ी बेनिफिट होगा। रियली फ्रेंड्स, आजकल जैसे सिर दर्द, कमर दर्द और सर्दी की प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह का दूध अगर आप एक दिन छोड़कर भी पीते हो तो काफ़ी अच्छे आपको नतीजे मिलेंगे इसके। और ग्रोइंग जो चिल्ड्रंस होते हैं, तो टीनेज, उनके लिए तो काफ़ी हेल्थी है। आई होप आप इसे घर में जरूर ट्राई करोगे। और अब हम इसे पित्तल के ग्लास में सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, आप इसे किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।